हमारे सीएम साहब से जो चर्चा हुई है, ये जो दुखद घटना हुई कोलकाता में जिसमें ये मर्डर रेप हुआ, उसके लिए हमारे रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन बेसिकली प्रोटेस्ट कर रहा था, स्ट्राइक पे भी था, और हम एज अ सैंडिकॉट स्टेट एसोसिएशन ऑफ मेडिकल एंड डेंटल टीचर्स के हम उनको सपोर्ट कर रहे थे, और हमारे जो स्टूडेंट बॉडीज थी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर दे वर आल्सो सपोर्टिंग। तो हम चाहते थे कि, और आप भी चाहते हैं और सभी, क्योंकि सबकी कोई सिस्टर है, कोई माँ है, कोई बहन है, एंड नॉट ओनली डॉक्टर्स, जो सिस्टर्स हैं, क्लास फोर हैं, कोई भी हेल्थ केयर वर्कर है, एनीबॉडी, जो भी लेडी है या जेंट्स हैं, उसको एक सिक्योरिटी का माहौल मिले, बिकॉज ये सिक्योरिटी के माहौल से आपकी फंक्शनिंग बेटर हो जाती है, आप आपकी मनस्थिति बेटर रहती है। तो ये सिक्योरिटी के लिए ये बेसिकली रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन 9-10 दिन से ये स्ट्राइक पे हैं, और सैम्टिकॉट उनको सपोर्ट कर रही है इन द फॉर्म ऑफ, हम ओपीडीज और रूटीन ओटीज नहीं चला रहे थे, पर मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं, हम पेशेंट्स की डिफिकल्टी के लिए प्रतिबद्ध हैं, और हम पेशेंट्स के लिए हैं, बेसिकली पेशेंट केयर हमारे लिए सर्वोपरि है, और हमने थ्रू आउट दिस पीरियड पेशेंट केयर को सफ़र होने नहीं दिया, बिकॉज हर कोई जो इमरजेंसी पेशेंट था, इमरजेंसी थी, उसको हमने अटेंड किया और आज भी अटेंड कर रहे हैं। That was one. नहीं, एक नंबर वन ये कि ये पॉइंट था, नंबर दो था कि ये जो हमारा मेडिपर्सन एक्ट है उसमें ये 2007 में एक्ट हुआ था, तो उसमें सजा दी थी कि इसको नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस किया जाए। कॉग्निजेबल मतलब पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट ए वारंट, और नॉन बेलेबल ऑफेंस हो अगर किसी भी सुरक्षा मतलब मेडिकल पर्सन के अगेंस्ट अटैक होता है या ये होता है। तो ये एक्ट में हम चाहते हैं कि इसको लागू किया जाए, प्लस इसमें कोई भी मेडिकल प्रॉपर्टी या कोई डैमेज करते हैं तो उसमें 5,000 रुपये का फाइन है। हम चाहते हैं कि ये फाइन 1,00,000 रुपये या 2,00,000 रुपये तक हो, और ये एक्ट सेंटर भी बनाए और स्टेट भी बनाए, दोनों इसको एक्ट को बनाए, ताकि मेडी पर्सन एक्ट जिसको बोलते हैं और प्रोटेक्शन ऑफ मेडिकल प्रॉपर्टी एक्ट, ये वाला, ये सेकंड वाला हमारा जो पॉइंट था। थर्ड हमारा पॉइंट था कि लोकली जो हम एट द लेवल ऑफ द इंस्टीट्यूशन क्या कर सकते हैं, एट द लेवल ऑफ द इंस्टीट्यूशन हम अपने जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, ये जो मेडिकल पर्सन है, उनको सेफ कर सकते हैं अगर हम प्रोटेक्शन देते हैं। तो उसके लिए सिक्योरिटी चाहिए, और जो सिक्योरिटी हमारे पास है वो नाकाफी है, और उस सिक्योरिटी को कैसा बढ़ाया जाए, सीसीटीवी कैमरास कैसे लगाए जाएं, कौन कौन से स्पॉट्स डार्क स्पॉट्स हैं या जहां गड़बड़ हो सकती है, उन स्पॉट्स को आइडेंटिफाई किया जाए, और ये वाला इशू भी हमने सीएम साहब के पास रखा, और सर ने आश्वासन दिया है कि हम सिक्योरिटी के लिए प्रतिबद्ध हैं, और हम सिक्योरिटी को, आपकी सिक्योरिटी और सीसीटीवी कैमरास, और इसके लिए हम जो भी करना होगा, इवन सेक्रेटरी हेल्थ भी वहाँ थे, ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर भी थे, चीफ पार्लियामेंट्री पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी अवस्थी जी भी थे, तो उन्होंने बोला कि ये सब हम करेंगे एज फार एज द सिक्योरिटी कम। दूसरा था कि एम्बुलेंसेस है, एक्चुअली जो हमारी एम्बुलेंसेस है दे आर आउटसोर्स, तो वहाँ जो ड्राइवर होता है नॉर्मली पता नहीं होता है, एंड देर बहुत सारे ऐसे इंस्टांसेस हुए हैं कि ये पी के भी होते हैं, तो दिस मेक्स इट वेरी सेफ, वेरी अनसेफ फॉर लेडी डॉक्टर्स टू बी ट्रैवलिंग। और हमारी जो कॉल होती है स्पेशली KNH में कॉलिंग होती है, तो रात के टाइम भी कॉल के लिए जाना पड़ता है, तो उन्होंने बोला है कि इसके लिए भी हम देखेंगे कि कैसे मॉल रोड से या शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट से, और ड्राइवर्स जो हैं उनको कैसे हम उनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, या रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ उसको किया जाए, ताकि हमारे जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, जो रेजिडेंट्स हैं या सिस्टर्स जो भी है, ये सेफ फील करें। ये फिर हमारा एक और इशू था कि ये जो बेसिक प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो हमारे रेजिडेंट्स हैं, नॉट ओनली इन दी हॉस्पिटल, बट ये हमारे 1200 लोग हैं, हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स मिला के, हमारे रेजिडेंट मिला के, पर हमारे जो रेजिडेंसेस है वो 400 हैं, तो उन रेजिडेंसेस को कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जब तक रेजिडेंट का मतलब होता है वो वहाँ रहता है, तभी वो सर्विसेज बेटर दे सकता है। तो ये हमने उनको बताया कि कैसे हमारे को ऑकलैंड टनल से लेके IGMC नाला तक MC ने NOC दे दी है कि वो स्पेस जो है, हालांकि वो सारी पहाड़ी थोड़ी सी खड़ी पहाड़ी है, पर उसमें 10-15% स्पेस भी निकलती है, तो वो वाली स्पेस भी हॉस्टल्स बनाने के लिए यूज़ कर सकती है।
आईजीएमसी के पास दो बिल्डिंग्स बन रही है, एक पार्किंग बन रही है ओपीडी और ट्रॉमा ब्लॉक के सामने और एक मेडिकल कॉलेज के पास ये पार्किंग बन रही है। तो हमने सीएम सर को रिक्वेस्ट किया है कि अगर वो वाली स्पेस डॉक्टर्स को दी जाती है, चाहे वो लेक्चर थिएटर है, वार्ड्स बनाने के लिए देते हैं, एकोमोडेशन के लिए देते हैं, तो बहुत, क्योंकि वो हमारी आईजीएमसी की कंटिन्यूटी में है, तो वो वाली स्पेस अगर देते हैं तो डेफिनेटली हमारे रेजिडेंट्स को सुविधा देने में और हमारी सुरक्षा में भी उसमें फायदा हो जाएगा। सर जो आश्वासन मिला है आज सुप्रीम कोर्ट में भी हियरिंग हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें काफ़ी पॉजिटिव बोला है। उन्होंने बोला है कि नेशनल कमेटी ऑफ डॉक्टर्स बैठेगी और ये देखेगी क्या क्या डॉक्टर्स की प्रॉब्लम है और ये सिक्योरिटी की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाती है। वो वाले भी पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है। सीएम सर ने भी हम और बाकी मंत्रीगण उन्होंने भी काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट दिए है। आज हम अपनी सेफ्टी कॉर्ड की मीटिंग 2:30 बजे कर रहे हैं, आरडीए भी अपनी जीबीएम मीटिंग कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि हम कुछ पेशेंट्स के लिए पॉजिटिव न्यूज़ ही लेके आएंगे। पर जब तक वो जीबीएम होती नहीं है तब तक, तो जैसे भी जीबीएम होती है मैं आपको आश्वासन देता हूं कि हम सभी प्रेस वालों को अपने आप इन्फॉर्म करेंगे कि अगर ये हम ये स्ट्राइक कॉल ऑफ करते हैं और कल से हम पेशेंट्स की केयर में फिर जुट जाते हैं। हमें बहुत बहुत खुशी होगी कि हमारे अपने लोग, अपने मरीज को सबसे बेस्ट फैसिलिटी मिले, बिकॉज अल्टीमेटली हम सबका एम, चाहे गवर्नमेंट का हमारा है, कि प्रोटेस्ट का एक माध्यम ये है कि हमारे बच्चे सेफ फील करें, बेटर परफॉर्म करें, इधर उधर भागना नहीं पड़े, हमेशा ये डर नहीं रहे कि कहाँ जाना है, रात को कैसे जाना है, तो हम बेटर सर्विसेज कर देंगे। तो ये जीबीएम जब हमारी हो जाएगी तो वी विल इन्फॉर्म एवरीबडी।